बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसने दिया हुआ है। यूँ उसने दो डायग्राम दी हुई हैं हमें और इसमें वो ये कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी जो है वो इक्वल है VWXYZ के, यानी दोनों जो ट्राइंगल हैं वो कंकरेंट है, यानी आपस में इक्वल है। तो गिवन दैट ये दे दिया, अब कह रहा है कि ये जो ने बिल्कुल बुक में इसी तरह दिया हुआ, कह रहा है इसको फिल करें, इसको कंप्लीट करें। तो अब अगर देखें, अब बिल्कुल सेम क्या है डायग्राम है, उनकी साइड भी कोई जो ट्रायंगल है ना, आपको आगे जो कुछ क्वेश्चन है जिसमें उसने फ्लिप की हुई है ट्रायंगल्स, मतलब हैं जितनी भी शेप्स हैं ट्रायंगल की शेप में हो या रेक्टेंगल हो या फिर ट्रेपीजियम, जिस शेप में भी हो उसने उनको थोड़ा बहुत शेप को घुमाया हुआ है सेम। तो इसमें देखो, अगर दोनों सेम है ट्रायंगल तो जो पी क्यू है वो किस की इक्वल है, वी डब्ल्यू की इक्वल है, क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल है। तो ये 3.5 है, तो आप इधर क्या लिख लो, 3.5 सेंटीमीटर लिख लो। अब क्यू आर जो है वो डब्ल्यू एक्स की इक्वल है, तो ये 3. इधर भी लिख लो 3.5 सेंटीमीटर। पहले ये इसको फिल कंप्लीट कर लें, वे ये फ़ौरन हो जाएगा। एस आर जो है वो वाई एक्स इक्वल है, क्योंकि आर एस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह ये जो साइड है टी एस या एस टी, ये 2.1 है, तो ये भी क्या होगी, 2.1 सेंटीमीटर होगी। वी जेड या जेड वी, जिस तरह भी आप इसे रीड करें, वो पी टी या टी पी की इक्वल है, 2 सेंटीमीटर। तो यूँ हमने अभी तक इनकी जो साइड्स थी, जो वैल्यू थी, क्योंकि आपस में ये दोनों शेप्स जो हैं आपस में इक्वल हैं, बेसिकली ये स्केयर थी, स्केयर से ये कोने जो हैं वो काट दिए गए, ये दोनों जो साइड हैं वो सेम है, तो ये उसने दी हुई थी, तो इसको हमने क्या कर लिया, इसकी फिल कर ली। अब हम यहाँ पे नीचे बताएंगे कि पी क्यू जो है, पी क्यू वो किसकी इक्वल है, उसने खुद बता दी, कह रहा है वी डब्ल्यू, कह रहा है अगर ये दोनों इक्वल हों तो आगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी क्यू और वी डब्ल्यू सेम है, तो अगर ये 3.5 है तो लाजमी बात है ये भी 3.5 हो गई, बस इतना सा लिखना है 3.5। आगे कह रहा है पी टी जो है वो किसकी इक्वल है, वी जेड के, तो इधर क्या लिखो, वी जेड लिख लो, और कह रहे हैं ये दोनों किसकी इक्वल है, 2 सेंटीमीटर के, हमें पता है जी बिल्कुल ठीक है 2 सेंटीमीटर। अब क्यू आर ये नीचे वाली साइड जो है वो किसकी इक्वल है, डब्ल्यू एक्स के, तो इधर क्यू आर के आगे क्या लिख लो, डब्ल्यू एक्स किसकी इक्वल है, ये दोनों 3.5, तो इधर कितना लिख लो जी, 3.5 सेंटीमीटर आगे लिखा हुआ है। आगे टी एस जो है, ठीक है जी, टी एस जो है वो इक्वल है किसके, टी एस जो इक्वल है वो जेड वाई के, ठीक है जी, टी एस वो इक्वल है जेड वाई के, दोनों किसकी इक्वल है, ये 2.1 है तो ये भी 2.1 होगा, सेंटीमीटर लिखा है, इसको सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एस आर जो है वो किसकी इक्वल है, वाई जेड के, एस आर किसकी इक्वल है, वाई एक्स के, और दोनों किसकी इक्वल है, अगर एस आर 2 है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, इधर लिख लीजिए 2 सेंटीमीटर। आगे एंगल की वो बात कर रहे हैं कि एंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये एक स्केयर है, तो स्केयर में यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है वो 90 का, उसने खुद यूँ, यानी कि दो, अगर देखो ना, ये स्केयर सा यूँ बनाया हुआ है, जिसका मतलब होता है 90 का, ये जो फिगर है बुक में बनी हुई बिल्कुल सेम इसी तरह, यहाँ पर इस तरह उसने ड्रा करके स्केयर कोने में बताया है, तो ये जो कोने में स्केयर होता है इसका मतलब होता है 90। तो जो एंगल पी क्यू आर है वो किसकी इक्वल होगा, एंगल वी डब्ल्यू एक्स के, ये एंगल का निशान आ गया, वी डब्ल्यू एक्स, यानी दरमियान में जो लेटर आर होता है एंगल उस पर बन रहा होता है, जैसे यहाँ क्यू पे बन रहा है ना, इधर डब्ल्यू पे बन रहा है, किसकी इक्वल है, दोनों 90 के डिग्री के उसने दिए होता। तो इस तरह एक दो उसने जो फिगर हमें दी हुई थी उनको हमने कंप्लीट किया, उनकी हेल्प से हमने ये जो नीचे उसने ब्लैंक दी हुई थी उनको कंप्लीट करना था, एक चार्ट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे हमारे पास आ जाता है जी इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। तो स्टूडेंट, अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ये हमें EFGH LMNO ये उसने खुद बताया हुआ है कि ये दोनों गिवन में बता रहा है कि EFGH जो है EFGH जो है वो कंग्रेंट है, यानी इक्वल है LMNO के, LMNO
ओके okay. और कह रहे हैं राइट डाउन ऑल दी मिसिंग मेजरमेंट, कह रहे हैं जो मिसिंग मेजरमेंट है, जैसे यहाँ ये एंगल नहीं है, इधर एंगल नहीं है, ये हमने दोनों एंगल बताने हैं, ये साइड नहीं है, ये साइड नहीं है, ये भी बतानी है, इसमें हमारे पास ये भी एंगल नहीं है, ये बताना है, ये वाला एंगल बताना है, इसमें ये दो साइड हमें बतानी है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दोनों जो हैं हमारे पास ट्राइंगल जो हैं, सॉरी ये जो फिगर हैं वो सेम है, इसने क्या किया कि थोड़ी सी शिफ्ट करके दे दी, जैसे मैंने एक छोटी सी इधर अभी यहाँ ये देखें, यूँ इसने ना कुछ हमारे पास जैसे एक ये है, ये दोनों बिल्कुल अगर देखें तो इस तरह ये दोनों हमारे पास क्या आ जाती हैं, यूँ सेम हमारे पास आ जाती हैं, यूँ सेम हमारे पास यानी कि ये आ रही हैं। अगर मैं इसको इसको यूँ रखने के बजाय इसको मैं यूँ घुमा दूँ या यूँ घुमा दूँ, जैसे मर्जी घुमाऊँ, सिर्फ इसकी इधर वाली साइड उधर, उधर वाली साइड इधर, साइड्स आपस में शफल होंगी जो है, आपस में रहेंगी इक्वली रहेंगी, जो साइड है चाहे वो उस तरफ चली जाए या इस तरफ चली जाए वो क्या होगी, रहेगी सेम। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं बहुत आसान तरीके से किस तरह। इसमें अगर सबसे पहले आप ये है कि आप देखेंगे दो डायगनल हैं इसमें, एक जो डायगनल है हमारे पास जो है लंबा डायगनल है और एक शॉर्ट है। डायगनल क्या होते हैं, यानी जो ये एक वर्टेक्स है, कोना जो होता है किसी भी जो फिगर है उसका, जो चाहे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजी में जो भी, उसका ये जो कोना होता है वर्टेक्स कहलाता है। अब ये जो कोना है, इस कोने से इधर तक का जो फासला है वो इसका क्या कहलाएगा, डायगनल। इसी तरह यहाँ से ई से जब आप जी की तरफ आते हैं तो ये भी हमारे पास क्या आ जाता है, डायगनल आ जाता है, ठीक है। अगर आप देखें इन फिगर पे, या आप अपनी बुक से भी आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास एक जो डायगनल है इनमें लंबा है और दूसरा डायगनल क्या है, छोटा है। जैसे इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला डायगनल बड़ा आएगा, ये लंबा है और ये डायगनल थोड़ा इसकी नस्बत छोटा है। इसी तरह दूसरा जो है हमारे पास, ये वाला डायगनल जो है ये हमारे पास बड़ा है और ये वाला क्या है, डायगनल छोटा है। अब क्यों डायगनल बड़ा है, अब ये देखो ना, ये वाला डायगनल इसलिए यहाँ यूँ इस तरह बड़ा है, उसकी वजह ये है कि अगर देखें तो इसकी ये वाली साइड भी लंबी है और ये वाली साइड भी इसकी लेंथ ही है, इन दोनों साइड की लेंथ ज़्यादा है तो ये इतनी पीछे आ गई हैं, इसलिए ये वाला डायगनल जो है बड़ा है। और इसमें देखें तो हमारे पास इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बड़ी है, तो इस साइड, इन साइड के साथ जो डायगनल यूँ बनेगा, यूँ डायगनल बनेगा, ये बड़ा होगा इस डायगनल की नस्बत, ये डायगनल हमारे पास क्या होगा, छोटा होगा। इसी तरह ये वाला डायगनल जो है ये हमारे पास छोटा बनेगा और ये वाला हमारे पास डायगनल क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। अब आपने ये करना है कि आप सबसे पहले देखें कि बड़ी साइड कौन सी है, एफ जी जो है इसमें, इस सब में बड़ी है, 5 सेंटीमीटर है, तो आप क्या लिखोगे, एफ जी जो है, एफ जी जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, इसकी ये वाली साइड बड़ी है ना, तो इसकी कौन सी साइड बड़ी है, ये ऊपर उसने उलट कर दिया, कौन सी बड़ी साइड है, एम एन, एम एन है। अब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि उसने खुद बताया कि ये दोनों फिगर आपस में इक्वल है, तो अगर ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, दोनों जो हैं वो 5 सेंटीमीटर की होंगी, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें देखें कि जो एक ये बड़ी साइड है, बड़ी साइड के, अब बड़ी साइड के सामने एक साइड है जो छोटी साइड है, अब इस बड़ी साइड के सामने जो छोटी साइड है वो क्या है, ई एच है, या एच ई लिख लें जो आपका दिल करता है, ई एच जो है बड़ी साइड के बिल्कुल अपोजिट जो साइड है वो इधर बड़ी साइड के बिल्कुल अपोजिट साइड जो कि ओ एल है उसकी इक्वल है। अब अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर ही होगी, इधर लिख लो जी 3 सेंटीमीटर। अब ये साइड जो बड़ी थी यूँ हमने इनको तो क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं कि यूँ जैसे अब इसकी ये और ये साइड है, अब इसमें क्या है कि इनमें भी एक साइड बड़ी है और एक साइड क्या है, छोटी है। अब इसमें देखो जो एन ओ या एन ओ या ओ एन जो है ये छोटी है और एल एम बड़ी है, कैसे हमें पता चल रहा है, ये 2.4 सेंटीमीटर है, ये 3.4 सेंटीमीटर है। अगर ये 3.4 सेंटीमीटर बड़ी लाइन है तो इधर बड़ी लाइन ये है, तो आप इधर क्या लिख लो, 3.4 सेंटीमीटर लिख लो। अब इसी तरह इसके सामने जो साइड है वो छोटी साइड है जो कि 2.4 है, तो इस साइड के सामने छोटी साइड ये वाली है जो कि जी एच या एच जी है, वो कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या जी, कि जो एल एम है, एल एम जो है किसकी इक्वल है, ई एफ की इक्वल है,
और ये दोनों किसकी इक्वल है, ये 3.4 उसने खुद दी हुई थी तो ये भी 3.4 होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि दोनों, उसने कहा है कि ये दोनों फिगर आपस में इक्वल हैं, इक्वल हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग साइड जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। ये आगे अब दूसरी हमारे पास क्या है जी, इसी साइड के सामने वाली साइड छोटी है जो कि क्या है, एन ओ है। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एन ओ। अब इसके सामने साइड ये छोटी है, एन ओ है, तो इसी तरह इस वाली साइड के 3.4 के सामने इधर हमारे पास क्या है, जी एच है, एच ये जी एच है। और ये दोनों के किसकी इक्वल है, 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर के हैं। के यूँ जो लाइन है ये बड़ी लाइन है, ये देखो इसमें ये बड़ी है, 3.4 है उसने खुद दी हुई थी, ये 2.4 उसने खुद दी हुई थी, ये बड़ी साइड है तो इसमें एक बड़ी साइड कौन सी थी, ई एफ थी, ये उसने खुद दी हुई थी तो ये हमने लिख ली क्योंकि आपस में कोरिस्पोंडिंग साइड है, क्योंकि फिगर एक जैसी है। अब इस बड़ी साइड के सामने एक छोटी साइड है जो कि एन ओ है, वो उसने 2.4 खुद दी हुई है, 2.4 खुद दी हुई थी तो उसी के सामने बड़ी साइड, इसकी बड़ी साइड के सामने वाली साइड 2.4 है तो इधर बड़ी साइड के सामने वाली साइड भी 2.4 होगी। इधर बड़ी साइड जो एल एम है उसके सामने एन सामने वाली साइड एन ओ है, इसी तरह इधर बड़ी साइड एन ई एफ है, इसके सामने जो साइड है वो जी एच है, ये आपस में इक्वल आ गई। तो साइड को तो हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। अब हमारे पास आ जाते हैं एंगल, तो चलिए एंगल को हम यहाँ पर लिखेंगे। एंगल जो है अब आप ये देखें कि वो 2.4 और 3, 2.4 और जो 3 है उस पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120। यानी जो 2.4 साइड है कौन सी साइड है, जी एच है, 2.4 के साथ और 3 के साथ ई एच या एच ई है, इन दोनों 2.4 और 3 के साथ जो एंगल बन रहा है वो 120 है। तो इधर हमारे पास 2.4 कौन सी है, एन ओ। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, जब मैं जी से एच तो मैं एंगल का, ये एंगल का निशान है, जी से मैं किधर चला गया, जी से मैं एच और एच से मैं ई की तरफ चला गया, तो दरमियान में जो लेटर है ये एच है ना, तो एच पर एंगल कितना बन रहा है, 120, ये उसने खुद दिया हुआ है, 120 है। तो ये पहले तो मैं देखूंगा कि इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल कौन सा है, एन जैसे मैं जी से एच की तरफ गया था, जी एच 2.4 थी, इसी तरह ये वाली जो साइड है एन ओ 2.4 है, जब एन एंगल एन ओ, एन से जब ओ, ओ से जब मैं एल की तरफ जाता हूँ तो रास्ते में एंगल ऊपर बनता है, ये कितना आएगा, ये दोनों कितने आएंगे, 120 की इक्वल आएगा। एन ओ एल जो मेरे पास एंगल आएगा वो कितना आएगा, 120 आएगा। क्यों 120 आएगा, तो आपने इसका कंसेप्ट समझना है कि देखो जब जी एच है वो इक्वल है किसके, एन ओ के। अब 2.4 साइड जो है और उसी के साथ एक और साइड है जो कितनी बन रही है, 3 बन रही है। तो इसी तरह जब 2.4 और 3 इन दोनों के दरमियान जो कॉमन पॉइंट है वो ओ है, और इधर 2.4 और 3 के दरमियान कॉमन पॉइंट जो है वो क्या है, 120 है। तो ये आपस में क्या होंगे, एंगल इक्वल बनेंगे क्योंकि इनके साथ जो साइड हैं वो इक्वल हैं, तो इसलिए यहाँ ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया जी, 120। अब अगर देखें 120 के बिल्कुल सामने वाला 65 एंगल बनेगा, इस ये गिवन है, तो आप वो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से पहले आपने कंसेप्ट को समझना है। ओके, किस तरह, अब जो आपके पास साइड है 3.4 क्या है, ई, मैं एंगल का इधर भी निशान लगा लेता हूँ, इक्वल का साइन डाल लेता हूँ, एंगल का इधर भी निशान लगा लेता हूँ, मैंने एंगल फाइंड करें, ई ई एफ जो है 3.4 है, इधर कौन सी है, एम एल 3.4 है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, ई एल एफ, ई एफ क्योंकि 3.4 है, और इधर कौन सी है, एम एन एल एम सॉरी एल एम 3.4 है, एल एम, एल एम क्या है, 3.4 है। अब इसके बाद एफ से जब मैं जी की तरफ जाता हूं, F से मैं किधर चला गया, F से मैं G की तरफ, ये देखो E से मैं F, यानी E से मैं F पर आया, और F से मैं कहाँ चला गया, G पर, तो दरमियान में F आया जहाँ पर एंगल कितना बन रहा था, 65। तो इसी तरह जब मैं L से M और M से N की तरफ जाऊँगा तो ये भी आपस में इक्वल आएंगे, और इधर भी एंगल कितना बनेगा, 65 बनेगा, इधर 65 बनेगा, कैसे बनेगा मैं फिर आप बता, 3.4 और 5,
3.45 के दरमियान एंगल बन रहा है 65, 3.5 और 4 के 5 के दरमियान, 3.4 और 5 के दरमियान, इन दो साइडों के दरमियान में एंगल जो बन रहा है वो 65 है, बिल्कुल इसी तरह 3.4 और 5 के दरमियान 65, इन दोनों साइड पे अगर इधर इक्वल साइड है ना, ये वाली साइड आपस में इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो इन दो साइड के दरमियान जो एंगल बनेगा वही एंगल इन दो साइड के दरमियान बनेगा, क्योंकि आपस में साइड इक्वल है। ऐसा तो नहीं है कि ये साइड इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है तो फिर तो एक और कंडीशन बन जाती, लेकिन यहाँ पर तो देखो सारी साइड आपस में डिफरेंट है, इसलिए वो दो साइड जो आपस में इक्वल है 3.4 और 5 के दरमियान 65 बन रहा है, तो इधर भी 3.4 और 5 के दरमियान 65 का बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो जी 65 का एंगल आ गया। अब हमारे पास एंगल आ जाता है किसके दरमियान, ई पर एंगल। अब ई जो है, ई जो पॉइंट है वो किन दो साइड के दरमियान है, ई एच ई और ई एफ के दरमियान है, या ई एफ और ई एच, यानी ई से आप एफ, एफ से आप एच की तरफ जाओ, तो एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर वही एंगल किसकी इक्वल आएगा, पहले यहाँ लिख लेते हो। देखो मैंने एक एंगल इधर का निशान डाल दिया और एक एंगल का मैंने निशान यहाँ डाल दिया। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास 3.4 और 3, ई से यानी एफ से ई की तरफ में जाऊँ और ई से, या मैं इस तरह कर लेता हूँ, ओ से एल और एल से एम, ओ से एल, तो एच ई, ई से एफ, या ई एफ एच आप कर लो, ऐसी इस तरह बना लो, एक ही बात है। ई से मैं किधर चला गया, एफ से, सॉरी किधर, एफ से मैं किस तरफ गया, ई की तरफ, और ई से मैं चला गया एच की तरफ, ई से एफ से ई, दैट इज 3.4, और फिर जैसे मैं एम से एल, एम से एल और L से O की तरफ आ गया। देखो E से F गया, कौन सी साइड मैंने पहले कंसीडर की, 3.4, इसी तरह मैंने M से L, M से L की तरफ कौन सी साइड कंसीडर की, 3.4, फिर जब मैं E से H की तरफ गया तो कौन सी साइड आई, 3, इधर जब मैं L से O की तरफ आया तो कौन सी साइड आई, 3, तो इसका मतलब है कि 3.4 और 3 अगर इधर 100 उसने खुद दिया हुआ है, इधर 100 बन रहा है, तो लाजिम बात है यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा, 100 डिग्री का, तो इसके आगे क्या लिख लो, 100 डिग्री का, ठीक है। अगर आप यूं लिख लें इसको, बात एक ही है, अगर आप यूं लिख लें एच ई एफ ओ एल एम, तो वो भी 100 आएगा, मतलब यह है कि दोनों, इन दोनों में एल क्या है दरमियान में, ई क्या है दरमियान, इधर ई पे बन रहा है, इधर एल पे बन रहा है, इधर से उधर जाए तब, या उधर से इधर है, एक ही बात है। 3 वाली साइड से 3.4 वाली साइड पे जाएं, या फिर 3.4 वाली 3 साइड पे जाएं, एक ही बात है। आप ये चाहें ये लिख लें, ये चाहें ये, दोनों में से एक लिखने, दोनों नहीं लिखने, ठीक है। तो चलो मैं ये नीचे वाला रेज कर देता हूँ, मेन चीज़ है आपको कंसेप्ट। ये भी मेरे पास एंगल आ गया। अब लास्ट मेरे पास एंगल बच गया जी जी के ऊपर। अब जो जी है वो किन साइड के दरमियान बन रहा है, 2.4 और 5, जैसे 2.4 ये है और 5 ये है, तो 2.4 और 5 के दरमियान एंगल 75 का बन रहा है, तो इसी तरह 2.4 और 5 ये वाली दो साइड हैं, इधर भी कितना एंगल बनेगा, 65 का बनेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, एच से एंगल का निशान मैंने डाला, एच से मैं जी की तरफ आ गया, एच से जी और जी से मैं किधर चला गया, एफ की तरफ, एच से जी और जी से एफ की तरफ, और इसी तरह मैं एन से ओ से एन, ओ से मैं एन और एन से एम की तरफ में गया, तो इन दोनों में जो मेरे पास एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 75 डिग्री का। देखिए चार मेरे पास साइड आ गई, चार मेरे पास एंगल आ गए, साइड भी आपस में देखो क्या कौन सी साइड के, ये वाली साइड है इन इस टाइम, ये वाली फिगर की और इस वाली फिगर की साइडें आपस में इक्वल हैं, ये देखो 1 2 3 4 साइड, फोर साइड की इक्वल हैं, और देखो ये फोर एंगल, इन फोर एंगल की इक्वल, जो कि ये आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह मेरे पास देखें, ये जो लास्ट मैंने क्या किया, एच से जी और एफ, यानी 2.4 वाली साइड और 5 वाली साइड है, इधर इसी तरह जब मैं कहाँ गया, एन ओ से एन और एन से एम की तरफ गया, तो 2.4 और 5 दोनों, जो 2.4
5 5, इन दोनों साइड के दरमियान जो एंगल बन रहा है और इन दोनों साइड के दरमियान एंगल बन रहा है 75, अगर इधर बन रहा है तो इधर भी 75 का बनेगा, क्यों, ये वाला 75 उसने खुद दे दिया तो ये वाला हमने उसे बता दिया। तो इस तरह हमारे पास उसने कहा था कि जो मिसिंग हैं, राइट द ऑल मिसिंग मेयरमेंट, वो लिखें, तो वो हमने लिख लिया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो आई होप के क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। इस नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।